हेलो गाइस, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मुझे कितनी स्कॉलरशिप मिली थी और कैसे मिली थी। तो गाइस, मुझे 75% की स्कॉलरशिप मिली थी निफ्ट कोलकाता से। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे कैसे मिली थी। तो सबसे पहले आप अपने निफ्ट की साइट पे लॉगिन कीजिए, www.nift.ac.in पर। उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आप जब थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप्स का कॉलम नज़र आ रहा है। आप स्कॉलरशिप पे टच करेंगे, स्कॉलरशिप पे टच करते ही आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जिस पे आपको दो स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया जा रहा है। एक तो मेरिट कम फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में और दूसरा है उड़ान। तो ये जो उड़ान है ये NRI बच्चों के लिए होता है, और जो सार्थक निफ्ट फाइनेंशियल जिसकी बात मैं अभी की थी वो हमारे डोमेस्टिक बच्चों के लिए होता है। तो आपको क्या करना है, जो सार्थक पॉलिसी की स्कीम है उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर आपके सामने जो स्कॉलरशिप है उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले बताएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1.5 लाख है तो आपको कितनी मिलेगी, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1.5 लाख से 2.5 लाख है तो आपको कितनी मिलेगी। तो इस टाइप से आपको देख लेना है कि आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, और उसके बाद इसमें आपको कुछ नीचे देना ही देना है। तो आप देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है ये, तो उसमें वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं इसे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास जो है वो है, अगर नहीं है तो आप अभी से इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए और बनवा करके आप अपने पास रख लीजिए। जब भी आप निफ्ट कॉलेज जाइएगा इस फर्स्ट सेम में तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर के जाइएगा, ताकि जैसे ही आपका ये अभी तो इस बार तो पैंडेमिक है तो थोड़ा समय भी लेट हो जाए, बट हर टाइम में अगस्त से सितंबर के बीच में स्कॉलरशिप आ जाती थी, स्कीम आ जाती थी। तो तब आपके पास अगर आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप इजीली फिल करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो आप लोग इसे जल्दी ही टाइम लिमिट के अंदर, टाइम लिमिट दी जाती है आपको फॉर्म सबमिट करने की, तो अगर आप ये सारे चीज़ें घर से मंगवाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले करके जाना। उसके बाद में जैसे ही आप वहाँ जाएंगे आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद आप इसमें नीचे आपको ये देखिए, ये सारे तो अभी तो आपको सारे डायरेक्शंस बताए जा रहे हैं कि क्या करना है कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ पढ़ लेनी है, क्योंकि एक भी लाइन अगर आप मिस करते हो तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हो, आप ट्रबल में आ जाओगे। तो सारी एक एक लाइन इसकी तो आप लोग को पूरी लाइन पढ़ लेनी है। और एक बात और, अगर आपने जो भी इंफॉर्मेशन निफ्ट स्कॉलरशिप में दी है अगर उसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी रॉन्ग हुई तो मे भी आपको पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा वो एकदम फेयर होनी चाहिए, क्योंकि पहले आपके स्कॉलरशिप फॉर्म जाती है वो एक बार चेकिंग की जाती है, फिर उसकी क्रॉस चेकिंग होती है, फिर आपका शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, तब आपका नाम बुलाया जाता है, फिर आप बोलेंगे, आप जाएंगे वहाँ पे, आपका इंटरव्यू होगा। सबके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही फेयर वर्क करना है। जो फॉर्म आपको दिया जाएगा, मतलब इस इंफॉर्मेशन के नीचे ही आपका वो फॉर्म भी है, वो फॉर्म फिल करते वक्त आपको कोई भी जगह ब्लैंक नहीं छोड़नी है, एक भी जगह आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी है। प्लस आपके भाई बहन, आपकी 12th की फ़ी, 10th की फ़ी, ये सारी इंफॉर्मेशन ले करके आप जाइएगा, और ये फॉर्म आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें कोई भी प्लेस खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लेस कोई भी खाली छोड़ देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, वो आपका एक्सेप्ट नहीं करते फॉर्म। तो शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद आप फॉर्म जमा करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपने कितना, आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, आपका अटेंडेंस क्या था, और आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं फर्स्ट सेम में, तो ये सारी चीज़ें आपसे जो वहाँ के इंटरव्यूअर होंगे वो पूछेंगे। फैकल्टी होती है, हेड फैकल्टीज होती हैं, अप्रॉक्स 12-13 पीपल्स होते हैं जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं। और गाइस, सबसे मेन थिंग ये है कि आप कोई भी बहुत कॉस्टली चीज़ लेकर के स्कॉलरशिप इंटरव्यू में मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं
तो अगर आप आईफोन लेके जाएंगे तो आप उनको क्रॉस क्वेश्चन में ये नहीं बता सकते कि आप अमीर हो या नहीं हो, तो आपको मैं स्कॉलरशिप क्यों दूँ। तो 13 लोग होते हैं तो 13 लोग की 13 तरीके की बातें होती हैं, तो आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना है कि जो बात आप लिखे हुए हो वो आपके बॉडी लैंग्वेज से भी दिखनी चाहिए कि आपको चाहिए, आप नीडी हो, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भी मे भी आपको सारा कुछ ठीक होने के बाद आप ट्रबल में आ जाओ। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी होगी, ये सारे फॉर्म को सबमिट करना होगा, एकदम एक एक लाइन फॉर्म का अच्छे से पढ़ के फिर आप उसी के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंटरव्यू के कुछ दिन बाद आपका लिस्ट आ जाता है कि आपको कितना परसेंट का स्कॉलरशिप मिला है। तो गाइस मुझे 75% स्कॉलरशिप मुझे मेरे कॉलेज से मिला था, तो मैं सोची आपको मैं एडवाइस देती हूँ कि आपको क्या करना है। तो जो गलती मैंने की है वो सब मैं नहीं बता रही हूँ कि मतलब आप वो गलती मत दोहराइए। तो आपको जो कर रहे हैं आप ये सब फॉर्म अच्छे से पढ़ करके कीजिएगा, बाकी स्कॉलरशिप आपको ईजिली मिल जाएगी। तो सारे सेंटर्स का आई थिंक जो रिज़ल्ट डेट होता है वो डिफरेंट होता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अभी से ही सारी प्रिपरेशन कर लीजिए स्कॉलरशिप की, एंड ऑल द बेस्ट, आप सबको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सो बाय बाय गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है निफ्ट के रिगार्ड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको उसकी वीडियो चाहिए या कोई भी बात है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।